सब देखो, इस हुकूमत कोई ऐसा कोई नया टैक्स जो ताजर के लिए तकलीफ दे हो या परेशानी का सबब बने, वो नए टैक्स तो नहीं लगाए गए, वो ऊपर नीचे सिर्फ फिगर किए गए हैं। नहीं सर, हमें टैक्स देने से इनकारी नहीं है, लेकिन जो एकदम डॉक्यूमेंटेशन आपने अनएजुकेटेड लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का एक जो सलाब उसके ऊपर कर दिया है, आप क्या समझते हैं कि बेनामी पे जो एक्शन होगा कानून के तहत होगा, लोग वाकई पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान काम होगा। आपने जहाँ बेनामी की बात की, तो बेनामी को इतना ओपन नहीं होता है कि आप कंफर्टेबली किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी बैंक को देखें और आप समझ जाएं कि ये बेनामी है। 20-25 साल के अंदर उसने कितना टैक्स अदा किया, इसको बैलेंस कितना किया, कितना हुकूमत के पास आया, बैलेंस रखने के लिए हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो चेक कर सके कि वो आज 50 करोड़ की गलत है, उसने टैक्स कितना अदा किया? गवर्नमेंट के पास एक वक्त में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। उस मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर फिर वो ऑप्शन देखे जाते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं। आपके ताजरों ने उनके जो उसके तजारत ही बंद कर दी? सर, मैं समझता हूँ कि जो ताजर इंडिया की कुछ सामान को इंडिया की किसी ट्रेड के साथ कारोबार करेगा, उसको बेचेगा, वो पाकिस्तान इंडिया आज 72 साल से हर बंदे जो भी आया वो मुआशी एक्सपर्ट ही आया, अपने आप को जो खुद कहता है मैं मुझसे ज्यादा मुआशी हालात को बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन फिर किसका बेहतर होगा? ये नई गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसीज पिछली गवर्नमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसीज बनाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। स्कीमें आ रही है ताजरों जी, 1990B और C, जिससे कोई रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी आएगी कि या करप्शन के रास्ते खुलेंगे? फिक्स टैक्स स्कीम इस वक्त बहुत मुनासिब बात है। रीजन ये है कि आपके पैरेलल अभी जो रिसेंटली काम हुआ है इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है कि आपने टैक्स गुजार को इस हवाले से इन्फॉर्म किया है कि मेरे पास आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ DMH News पर।